guys, repo rate, reverse repo rate, CRR, SLR and MSF, इन रेट्स को इंडिया का सेंट्रल बैंक यानी कि RBI कंट्रोल करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं रेपो रेट की। तो रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। गाइस, जब RBI को लगता है कि मार्केट में कम पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है तो वह इस रेट को कम कर देता है ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सके और मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट पर। जैसा कि रिवर्स रेपो रेट के नाम से पता चल रहा है कि ये रेपो रेट की जस्ट रिवर्स है। अगर इन शॉर्ट अपन बात करें तो ये वह रेट होती है जिस पर RBI बैंकों से पैसा लेता है और उस पर ब्याज देता है, तो वह ब्याज दर रिवर्स रेपो रेट कहलाती है। जब RBI को लगता है कि मार्केट में कैश का फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वह इस रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम RBI में जमा करा सके और मार्केट में पैसे का सर्कुलेशन मेंटेन हो सके। अब बात करते हैं CRR पर। तो CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशो। देश में बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक सर्टेन अमाउंट RBI के पास रखना होता है। इसे ही कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। इसे हम अभी एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं SLR पर। SLR की फुल फॉर्म होती है स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशो। लोग बैंकों में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक को अपनी कुल जमा का कुछ प्रतिशत पैसा सरकार के पास रखना होता है। अब चाहे वह गवर्नमेंट बॉन्ड्स के रूप में हो या गोल्ड रिजर्व के रूप में हो, इस तरह कुछ पैसा किसी न किसी प्रकार से सरकार के पास जरूर रिजर्व रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इमरजेंसी के समय होने वाले ट्रांजेक्शन को पूरा किया जा सके। अब CRR एंड SLR को अपन समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो आपने बैंक में जमा कराए 1000 रुपये और उस समय CRR की रेट चल रही है 4%, तो 1000 रुपये का 4% होता है 40 रुपये, तो यह 40 रुपये वह बैंक RBI को दे देता है। अब मान लो उस समय SLR की रेट चल रही है 20%, तो 1000 रुपये का 20% होता है 200 रुपये, तो वह बैंक इन 200 रुपये का कुछ सरकारी बॉन्ड्स खरीद लेगी। तो आपने तो जमा कराए 1000 रुपये और CRR एंड SLR मिला के बैंक को देने पड़े 240 रुपये, तो अब बैंक के पास बचते हैं ओनली 760 रुपये। तो इसका मतलब यह है कि वह बैंक केवल 760 रुपये तक का ही लोन जारी कर सकता है। अब अपन आते हैं MSF पर। तो MSF की फुल फॉर्म होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यह कंसेप्ट 9 मई 2011 को लागू किया गया था। इसमें सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एक रात के लिए अपने कुल डिपॉजिट का 1% तक लोन ले सकते हैं। यह फैसिलिटी बैंक्स को शनिवार को छोड़कर हर एक वर्किंग डे में मिलती है। अब हम जानेंगे करंट रेपो रेट, करंट रिवर्स रेपो रेट, CRR एंड SLR एंड MSF रेट्स के बारे में, जो कि अक्टूबर 2020 की है। तो करंट रेपो रेट चल रही है अभी 4%, रिवर्स रेपो रेट चल रही है 3.35%, CRR चल रही है 3%, SLR चल रही है 21.5% एंड MSF की रेट है 4.65%। तो गाइस, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी न्यू अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।